हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डी लिंक का 2730। ये DSL प्लस मॉडेम है, राउटर है। इसमें आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाईफाई मॉडेम भी है। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। इसी मॉडेम को मैं दूसरी बार ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। और जो आप ये देख सकते हो कि जो मेरा पुराना मॉडेम जो लगा हुआ है, जो ख़राब हो गया, वो ख़राब भी इसलिए हुआ क्योंकि बिजली गिर गई थी उस पर, मतलब फ़ोन लाइन पे बिजली गिर गई थी तो ये उड़ गया। और इसके साथ साथ मेरा लैन कार्ड भी उड़ गया कंप्यूटर का, तो दोनों रिप्लेस हो किया है मैंने। और ये मैंने दोबारा इसलिए लिया क्योंकि सस्ता भी है और ईजी टू सेटअप है, और आपका डी लिंक का ब्रांड वो तो है ही है। तो आज देखते हैं। पैकेजिंग तो अच्छी है खासी है, और इसमें खोलते के साथ ही आपको मिलेगा एक मैनुअल, जो कि आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, रेयरली कोई पढ़ता होगा ऐसे मैनुअल को। फिर आपका आता है वारंटी कार्ड नहीं है वैसे तो, ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन है। फिर आपका ये रहा वारंटी कार्ड, नए डिवाइसेस हैं ये तो, और ये आपका सॉफ्टवेयर्स। फिर ये रहा आपका मॉडेम, जिसमें आपका एंटीनास अटैच्ड है उसी पे, इसी वजह से वो आपको कार्डबोर्ड जो बॉक्स दिख रहा है उसी में ये एंटीनास इसके। फिर ये आपका चार्जर हो गया, और ये आपका स्प्लिटर मिल गया, ADSL स्प्लिटर। फिर आपका ये फ़ोन वायर और ये RJ45 लैन केबल, बस इतना ही है बॉक्स में। तो ये रहे कंपोनेंट्स जो आपको इसके साथ मिलेंगे। पहले मॉडेम है, फिर स्प्लिटर, फिर अडैप्टर, फ़ोन वायर और एक RJ45 लाइन केबल, प्रोडक्ट गाइड, एक इंस्टॉलेशन CD, हजार्ड और एक क्विक्स इंस्टॉलेशन गाइड। और ये रहा अपना पुराना मॉडेम जो कि उड़ गया, मैंने पन्नी अभी तक नहीं निकाली है। सेम टू सेम ही मॉडल है, और देखते हैं ये पुराने को कितना चेंजेस हैं। मॉडल सेम है, एक ही कंपनी है, और क्या क्या डिफरेंसेस है पुराने मॉडल से नए मॉडल में, जो कि 5 साल का गैप है दोनों के बीच में। ओके, पहले तो आप ये देखोगे कि आपका एंटीना, आपको बड़ा एंटीना मिलेगा नए वाले में, पुराने वाले में छोटा एंटीना था, रेंज कम थी, बड़े में ज़्यादा बड़ा एंटीना है। और ये पावर ऑन ऑफ बटन है, बटन नहीं है एक्चुअली, वो लाइट है। लाइट्स तो सेम ही है दोनों में, ऐसा तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। दोनों में 4 कनेक्शंस हो सकते हैं, 4 लाइन कनेक्शंस हैं, और वायरलेस अप टू 10 डिवाइसेस हैं। ये 2.4 GHz पे है, ये आपका ड्यूल चैनल पे नहीं है, सिंगल चैनल है 2.4 GHz पे। और अगर आप पीछे से देखोगे, एक मिनट इसका ये खोल लें, इतना भी ज़्यादा नहीं चिपकाना चाहिए था, निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ फट भी गया। तो आप देख सकते हो चार, एक पहला तो आपका फ़ोन वायर के लिए जो फर्स्ट वाला ग्रे है, फिर बाकी के 4 हैं लैन केबल्स कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो दोनों में सेम दिख रहा है, बस बटन्स का फ़र्क है। नए वाले में ब्लैक बटन दिया है, पुराने वाले में एक
जो छोटे बटन्स दिख रहे हैं वो आपका डब्ल्यू पी ए कनेक्शन है, एक वायरलेस बंद करने का बटन है और एक सिक्योरिटी ऑफ करने का बटन है, और एक जो बड़ा बटन था वो मॉडेम का पावर ऑन ऑफ बटन है। तो ये रहा दोनों मॉडेम, एक जेन वन है एक जेन टू है। तो ये रहे पोर्ट्स इसके, और वो जो आपको बटन्स दिख रहे हैं वो दो छोटे छोटे बटन्स, वही जो अभी बताया था मैंने, डब्ल्यू पी ए सिक्योरिटी वाला है और एक वाईफाई ऑफ करने का बटन है और एक है पावर ऑन ऑफ करने का बटन। ये मॉडेम प्लस राउटर है, तो इसमें आपको और एक्स्ट्रा वाईफाई या कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडर लेना है तो आप ले सकते हो। और जो वेंट दिख रहे हैं, ये मॉडेम गर्म भी हो जाता है, ज़्यादा हीटअप नहीं होता, काम चल जाता है, नॉर्मल गर्म हो जाता है। सो थैंक यू मेरे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।